पापड़ तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ मैदे के पापड़ की बहुत ही आसान और बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी आसान ये पापड़ की रेसिपी है कि इसे आपको ना भाप में पकाने की ज़रूरत है और ना ही बेलने की ज़रूरत है और ना ही मैदे को गूंथने की ज़रूरत है। बिल्कुल अलग तरीका है और पापड़ इतने करारे और क्रिस्पी बनेंगे कि पापड़ खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने देख लिया कितना क्रिस्पी ये पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं मैदे के इस आसान सी रेसिपी को। मैदे के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है। मैदे को छान के लेना है। तो यहाँ पे आप एकदम परफेक्ट रेशियो रखिएगा तो एकदम बढ़िया आपका मैदे का पापड़ बनके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा मोटे तले के किसी भी कढ़ाई में डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे पानी। तो यहाँ पे एक कटोरी हमारा मैदा है तो हमें दो कटोरी पानी लेना है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे का घोल बना लेंगे, बिल्कुल इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। एक कटोरी पानी का तो मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया है, ये दूसरी कटोरी पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। लम्स नहीं बनना चाहिए, एकदम स्मूथ सा इसका हमें घोल बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारा स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके का इसका बैटर होना चाहिए, एकदम पतला। तो यहाँ पर बैटर हमारा बन के तैयार है और अब हम बैटर में डालेंगे नमक। तो एक कटोरी मैदे के हिसाब से हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस बैटर में हमें डाल देना है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। सरसों का तेल का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। अब ऑयल को हमें अच्छी तरीके से इस बैटर में मिक्स कर लेना है। जब बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इस बैटर को हम रखेंगे गैस पे और एकदम फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। छोड़ देने पर ये नीचे से जम जाएगा और नीचे तले में लग जाएगा तो पापड़ ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब आएगा। तो इसे में बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जब ये थोड़ा सा बैटर गर्म हो जाए और गाढ़ा होने लगे तो इसमें हमें डाल देना है एक चौथाई छोटी चम्मच यानी एक से दो पिंच यहाँ पे बेकिंग सोडा लेंगे यानी खाने वाला मीठा सोडा और इसे इस बैटर में डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इस बैटर को हमें पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम से ये बैटर गाढ़ा होने लगा है तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। अच्छी तरीके से मैदा पक जाना चाहिए तभी हमारा ये जो पापड़ है वो बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें लगातार चलाते हुए मैदे को पकाना है। मैदा जब तक एकदम डो की तरह ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। जब एकदम ये सारा इकट्ठा हो जाए, एकदम डो की तरह हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए मैदा हमारा अच्छी तरीके से इकट्ठा हो गया है, एकदम डो की तरह हो गया है और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मैदे में से थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसे इस तरीके से एक गोल बना लेंगे और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम चिकना गोली यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। यानी ये हमारा डो एकदम अच्छे से पक चुका है और अब इसके हम पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इस डो को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, हाथ में इसे ले सके इतना ठंडा होने देंगे। जब डो थोड़ा ठंडा हो जाए हाथ में थोड़ा सा चिकनाई लगा के और इस डो को अच्छी तरीके से मसल लेंगे ताकि आटा एकदम चिकना हो जाए। तो आटा हमारा एकदम चिकना हो गया है और अब हम पापड़ बनाएंगे। तो जितना बड़ा या छोटा आपको पापड़ बनाना है उस हिसाब से इसमें से हम पेड़े बना लेंगे। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे पापड़ बनाऊँगी, बिल्कुल मिनी पापड़। अगर आपको बड़े बड़े पापड़ बनाने हों तो आप इसमें से बड़े बड़े लोई ले सकते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा पापड़ बनाऊंगी तो छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने मैदे के पेड़े बना के रख लिए हैं। और अब इसे हमें खुला बिल्कुल नहीं रखना है, इस पेड़े को हमें ढक के रखना है। अगर खुला रखेंगे तो ये सूख जाएगा और जब आप पापड़ बनाएंगे तो ये फटने लगेगी। तो यहाँ पे हमें सारे पेड़े को ढक देना है। अब प्लास्टिक शीट पे एक पेड़ा रखेंगे और इसके ऊपर एक और प्लास्टिक शीट लगाएंगे और प्लेट से इस तरीके से दबाते हुए हम पापड़ बना लेंगे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा और फैला के पतला कर लेंगे जिससे एकदम पतला और परफेक्ट हमारा पापड़ बन सके। तो यहाँ पे देखिए एक पापड़ हमारा बन गया है और फिर से हम दूसरे पापड़ को भी इसी तरीके से बना लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे पापड़ को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पापड़ को बना लिया है और अब इस पापड़ को हमें धूप में रखना है। तो एक ही दिन में ये पापड़ अच्छे से सूख जाता है। अगर पापड़ को आपको तीखा बनाना है, चटपटा बनाना है, तो इसमें आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं। तो जो भी मसाले आपको पसंद हो उसे डाल के आप मैदे का पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। एक ही दिन में पापड़ अच्छे से सूख जाता है। अगर आपको एक साल के लिए स्टोर करके रखना है तो पापड़ को 1 से 2 दिन तक सुखाइए जिससे पापड़ में बिल्कुल भी नमी ना रहे। और आप जब स्टोर करके रखें तो ये बहुत दिनों तक ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पे पापड़ को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो पापड़ फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए। और देख सकते हैं आप ये हमारे पापड़ एकदम अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और एकदम खस्ता क्रिस्पी ये पापड़ बन के तैयार होता है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस पापड़ की सबसे अच्छी ये बात है कि आप इसे फ्राई करके अगर एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो ये 2-3 दिन तक एकदम इसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बनी रहती है। बहुत ही टेस्टी ये पापड़ बन के तैयार होता है। तो आप भी इस तरीके से अगर मैदे का पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी इतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।